डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर के वार्डों की छतें बारिश में टपक रही हैं। हालात ऐसे हैं कि वार्डों में दाखिल मरीजों को मर्ज टपक रही छतों ने और बढ़ा दिया है। मरीजों के बिस्तर तक पानी से भीग गए हैं। इस कारण वार्डों में दाखिल मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के वार्ड 409 सहित बाकी के कुछ वार्डों में भी हालात बदतर हो गए हैं। मरीजों के साथ आए उनके तीमारदार वार्डों में भरे पानी को बाहर निकालते रहे। लगातार हो रही बारिश ने अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं की पोल खुलकर रख दी है। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद बेहतर जरूर हो गई हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ खास नहीं है। यही कारण है कि बारिश में मरीजों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। गुरुवार के दिन भी ऐसा नजारा देखने को मिला। पानी फर्श पर ना गिरे इसके लिए मरीजों के साथ आए तीमारदारों ने बर्तन लगाकर रखे ताकि पानी इनमें ही गिरे। बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर का दर्जा बढ़ाकर मेडिकल कॉलेज किया गया। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद यहां मरीजों की तादाद बढ़ी है। हालांकि यहां व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ खास देखने को नहीं मिलता। मेडिकल कॉलेज के प्रबंधों की पोल गुरुवार को ही बारिश ने खोल दी। डॉक्टर अनिल वर्मा मेडिकल सुप्रीडेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर का कहना है कि ध्यान में है कि सीलिंग बदलने का प्रपोजल सरकार को भेजा गया है, अभी तक इसे सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। अप्रूवल मिलने के बाद अस्पताल की छत को बदला जाएगा।